को लेकर तो फिर बहुत टाइम बाद मैं आपको वीडियो डालती हूँ। इस टाइम मैं घूमने चली गई थी और ये देखिए मैं कहाँ घूमने गई थी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको भी घुमा रही हूँ अपने साथ जहाँ मैं घूमने गई थी। मैं अपने गढ़वाल में घूमने गई थी, ये देखिए जाते हुए हम मैं शादी में गई थी और वहाँ से घूमते हुए हमने माता के दर्शन के लिए गए थे। ये देखिए धारी देवी का मंदिर है और मैं आपको आज धारी देवी के ही दर्शन करवाऊँगी। बड़ा सुंदर नज़ारा है, ये देखिए माता का जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से नीचे एंट्री का गेट है वो है, मतलब बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है। इसके दोनों साइड में दुकानें हैं प्रसाद वगैरह के लिए। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते हैं। मैं बाहर घंटी नहीं बजा पाई तो मैंने अंदर के साइड जो घंटी थी उसी को मैंने वो बजाई थी। तब जाके यहाँ पर हमने एंट्री की। देखिए यहाँ पर आते ही कितना सुंदर नज़ारा लगता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ से, देखिए पूरा नदी है, अलकनंदा नदी है, बहरी है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और ये बीच में बिल्कुल बीच में पानी के नदी के बिल्कुल बीच में माता विराजमान है। और कितना भव्य मंदिर बना हुआ है माता का, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ से थोड़ा दिख रहा था, मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से मंदिर। ये देखिए यहाँ पर पुल भी है गाँव में जाने के लिए, ये धारी गाँव है उसी के यहाँ पर ये धारी माता है। और ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, कितने भव्य तरीके से बना हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप कभी आएंगे तो आपको यहाँ से देखने से ही इसकी भव्यता का पता चलता है और बहुत अलौकिक शांति मिलती है यहाँ पे आके। चारों तरफ से पहाड़े, कितना सुंदर नज़ारा है, मन प्रसन्न हो जाता है ऐसे देख के। अभी ढलान में निकल गए हम मंदिर के माता के मंदिर के लिए और हम ये माता के एंट्री द्वार पर पहुँच गए हैं। यहाँ से ये अंदर जाने का रास्ता है। और दिन हम लोग नीचे पानी में जाते थे, वहाँ पे हाथ मुँह धो के नहा के आते थे, लेकिन इस टाइम हम इतना टाइम नहीं था हमारे पास तो हम सीधा हाथ मुँह धो के हमने दरवाजे पे ही जहाँ पे मेन गेट है उनके होते वहीं पे पानी रखा हुआ है, वहीं से हमने हाथ मुँह धोए और माता के दर्शन के लिए निकल गए। ये देखिए यहाँ पर ये पुल दिखाई दे रहा है, पुल के नीचे पर ट्रॉली भी लगी हुई है। पहले ट्रॉली का इस्तेमाल होता था बीच में, अब ये बहुत सुंदर माता का मंदिर बिल्कुल पानी के बीच में। मैंने कैमरा अभी किसी को मैंने बच्चों को पकड़ा दिया है, मैंने कहा आप साथ में कुछ मेरी भी वीडियो आ जाएगी इसके लिए देखें, क्योंकि मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती थी माता के दर्शन के लिए। ये जो रास्ता है यहाँ पे पहले बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई थी जिनको बजाते हुए अंदर जाते थे, लेकिन ये जो नीचे फर्श है इसका भी नया निर्माण हुआ है तो उसकी वजह से शायद इन्होंने ये ग्रिल भी नहीं लगा रखी है तो उनको हटा दिया है। देखिए नया मंदिर जो बन रहा है इसको मैं बाद में दिखाऊंगी, मैं थोड़ा आपको बाहर से भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पर नया मंदिर है। अब मैं पहले माता के दर्शन करवाती हूँ आपको। जहाँ तक वीडियो बनाने देंगे मैं वहाँ तक वीडियो बनाऊँगी, अंदर अलाउ नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन जितना मेरे से बनेगा मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि हमने माता के किस तरीके से दर्शन किए थे और ये किस तरीके से हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ से ये अंदर जाने एंट्री पॉइंट है और सामने वहाँ पर शिवलिंग है। माता के दर्शन करने के बाद हम लोग शिवलिंग के परिक्रमा करते हैं। कि अब यहाँ से अंदर की साइड में सब लोग बैठे हुए हैं अपनी बारी के प्रतीक्षा कर रहे हैं और सामने माता विराजमान है तो इसका इतना ही वीडियो बन सकता है। अब ये हमने दर्शन किए, काफ़ी देर पूजा हुई, उसके बाद में जब हम बाहर की साइड आने लगे तब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। ये देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा है, जैसे हमारा एंट्री पॉइंट था वैसे ही एग्जिट पॉइंट है बिल्कुल उसी के बिल्कुल सामने। ये देखिए यहाँ पे घंटियाँ लगी हुई हैं, उनकी ध्वनि बहुत सुंदर लगते हैं, बजाते हुए आते थे लेकिन इस टाइम शायद निकाली हुई है काफ़ी मात्रा में तो ये कमी दिख रही है मुझे, नहीं तो यहाँ पूरा भरा हुआ रहता था घंटियों से। पानी के बीच में चलना बहुत सुंदर लगता है, चारों तरफ पानी और हम बीच में खड़े हुए, बहुत अद्भुत महसूस होता है इस चीज़ को देखना और महसूस करना। देखिए सभी वीडियो बना रहे हैं अपने अपने लिए, हम भी जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। ये देखिए ये जो पहाड़ सा बना रखा है अंदर की साइड में माता है और बैक साइड में इस तरीके से है। ये यहाँ पे भी निर्माण हो ही रहा है, कार्य चल रहा है और मैं जहाँ पे अंदर जाने की कोशिश की मैंने सोचा कि मैं मंदिर को देख लूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे पंडित जो थे उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने उनसे पूछा भी था कि यहाँ पर माता कब आएगी कैसे है, तो उन लोगों ने अभी मना कर दिया कि जब होगा तो पता चली जाएगा आप लोगों को, उन्होंने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे तो मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए थोड़ा सा बनाया कि मंदिर किस तरीके से बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है।
दोनों साइड से इसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए पहाड़ियों के बीच में माता बसी हुई है और बहुत अच्छा सा नज़ारा है यहाँ पे देखने में। यहाँ से हम लोग बाहर की साइड निकल रहे थे और ये बहुत अच्छा सा लग रहा था। अब मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ, जिनको दे रखा था तो मैंने उनके हाथ से लेके मैं खुद वीडियो बनाने लग गई हूँ। ये माता के जो अभी मंदिर है वहाँ से हम निकल रहे हैं और यहाँ पे ये टी पॉइंट सा है, यहाँ से ये माता के नए मंदिर के लिए रास्ता जाता है। थोड़ा रास्ते के साथ मिलते हैं और हम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से नीचे देखिए बहुत ठंडा पानी होता है पर यहाँ पे जाने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। हम लोग तो बहुत बारी गए हैं, इस बार इतना टाइम नहीं था लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। आपने जरूर बताया कि आपको ये मेरी धारा देवी की यात्रा कैसे लगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप फिर मिलूंगी। बाय, जय माता की।